जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख पास में आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों के नेताओं की धड़कन भी बढ़ती जा रही है और उन्होंने जनसंपर्क भी तेज कर दिया है। हालांकि यह तो वक्त आने पर ही पता चलेगा कि जनता किसको जीत का ताज पहनाती है और किसको नहीं। खैर, परिणाम जो भी हो, लेकिन जब तक चुनाव नहीं हो जाते हैं तब तक तो नेताओं का तूफानी जनसंपर्क चालू रहेगा। आइए हम आपको दिखाते हैं बदनावर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी राजवर्धन सिंह दत्ती गांव की खास बातचीत। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमर वर्मा, समाज रक्षी में आपका स्वागत है। हमारे साथ आज कांग्रेस प्रत्याशी राजवर्धन सिंह दत्ती गांव है, उनसे हम बात करते हैं। दत्ती गांव जी, आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? मुख्य मुद्दे तो आमजनों से संबंधित है, जो पहले तमाम वादे भाजपा ने किए थे सभी के विफल। शुरुआती तौर पे केंद्रीय मुद्दों को आप ले लें, चाहे 15 लाख की बात हो, चाहे स्थानीय तौर पे भी हम बात करें तो पिछले बार पवन सिंह जी शेखावत इंदौर से पधारे, लोगों ने सोचा अपेक्स बैंक के अध्यक्ष हैं, बड़े नेता हैं, बदलाव होगा। उन्होंने लोगों से कहा भी है, अरे साहब 50 साल में कुछ नहीं हुआ, मैं आया हूँ तब। लेकिन वास्तविकता ये रही कि उन्होंने कहीं कुछ नहीं किया, जो पुराने कार्य थे वही चलते रहे। यहाँ तक कि मूलभूत आवश्यकताएं व्यक्ति की, उन्होंने बात तो गंगा जल पीने का पानी तक गांव में मुहैया नहीं है। तो यहाँ तक जो मैंने ग्राम में टंकियां स्वीकृत कराई थी उनको चालू भी नहीं करवा पाए, आज भी अधिकांश उनमें से बंद कार्य संपन्न। दत्ती गांव जी, जैसे कि पिछली विधानसभा में आपके हार हुई थी, कि क्या उसका कारण ऐसा तो नहीं कि जनता के बीच आपकी निष्क्रियता रही या अनुपस्थिति रही? अगर मेरी निष्क्रियता होती तो आज लोग मेरे साथ खड़े न रहते। मेरे पहले चुनाव से आखिरी चुनाव तक मेरा वोट परसेंटेज कभी घटा नहीं। अब 51,000। और एक और बात बता दूं कि हमारे आसपास बदनावर विधानसभा को 4 जिले लगते हैं, ये चारों जिलों की हवा हमें प्रभावित करती है। तो राजवर्धन जी, जैसे कि अभी बदनावर विधानसभा में त्रिकोणी मुकाबला देखा जा रहा है, लेकिन हमेशा आपकी टक्कर बीजेपी से रही है, बीजेपी से और कांग्रेस की टक्कर रही, लेकिन इस बार ऐसी चर्चा चल रही है कि कहीं न कहीं दत्ती गांव और निर्दलीय प्रत्याशी राजेश अग्रवाल की चल रही है, क्या कहेंगे? इसमें तो भावर सिंह जी से पूछिए कि आपने ऐसा क्या कमाल किया क्या? तो ये थे हमारे साथ राजवर्धन सिंह दत्ती गांव, जिनका कहना है कि इस क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है, भंवर सिंह शेखावत ने कई वादे किए पूरे नहीं किए हैं। अब हालांकि जो भी हो, ये जनता जीत अपनी जीत सुनिश्चित कर रहे हैं, लेकिन जो भी हो ये जनता तय करेगी कि किसकी जीत होती है और किसकी हार। कैमरामैन दिनेश के साथ अमर वर्मा, समाज एक्सप्रेस धार।